हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है एक वीलॉग, रमज़ान का वीलॉग, बड़ा फेमस है आजकल, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आज रेसिपीज से कुछ हटकर है हम बातें करेंगे इस वीडियो में। ये एक्चुअली मैंने जो रिकॉर्डिंग की हुई है, ये मैंने फ़र्स्ट रमज़ान की रिकॉर्डिंग की हुई है। आजकल शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि टाइम ही नहीं मिलता रिकॉर्डिंग का या एडिटिंग करने का। दो चार वीडियोस मैंने बिल्कुल पहले से बनाई हुई थी, तो वही मैंने दो चार अपलोड की हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने पहले रमज़ान में बनाई थी। ये अफ्तारी की रिकॉर्डिंग है सारी। तो पहले रमज़ान में बिल्कुल हमारी तो आँखें नहीं खुली, तो मेरे तो बच्चों का भी स्कूल जो है ओपन है, आजकल स्टडीज़ उसकी भी चल रही हैं, साथ साथ अफ्तारी करनी होती है, साथ साथ उसको पढ़ाना होता है। अच्छा, इसमें जो पकोड़े मैंने बताए हैं वो थोड़े से, क्योंकि पकोड़ों में अक्सर लोगों को मसलिन साइल होते हैं, तो ये शेप होती है मैं आलूओं की जो इस तरह से काटती हूँ, और ये प्याज हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी। पकोड़ों का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो ये बेसन है, बेसन में लाल मिर्चें जैसे सारे स्पाइसेस जो आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ये मैं चीज़ें बनाकर तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको मैंने रखा है, और उसके बाद जो है मैंने फिर चाट स्टार्ट कर दी थी। बस ये है कि पहला जो रमज़ान था वो बहुत बहुत बिजी गुजरा था, यहाँ पर सारे काम खुद ही करने होते हैं, हर चीज़ जो है यहाँ पर रहते हुए हेल्प वगैरह तो कोई इतनी नहीं होती। तो बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, सैरी भी कर रही हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद जो है सारा दिन इसी तरह से बच्चों के काम तो चलते रहते हैं। बच्चों की रूटीन तो वैसे ही रहती है, खाना वगैरह हर चीज़। तो बस ये था कि रूटीन काफ़ी टफ चल रही थी आजकल, तो मैंने सोचा एक रमज़ान का भी लोग मैं भी बना लूँ। बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो उनको खाना वगैरह देना होता है, देन उसके बाद फिर अफ्तारी शाम के वक्त उसकी स्टडी भी स्टार्ट हो जाती है मेरी बेटी की, उसके पेपर्स चल रहे हैं आजकल, सुबह पेपर है, बल्कि उसका ना सातवां के आठवां रोज़ है आज, यहाँ पर आठवां रोज़ है। तो पाकिस्तान के साथ ही ये सफ़ा रोज़े हमारे भी, अदरवाइज़ तो हमारा पहले रोज़ा होता होता है, बट अदरवाइज इस दफ़ा जो है पाकिस्तान के साथ ही हैं। बच्चों के लिए मैंने जो सबसे पहले आपको मैंने दिखाया है मिल्क शेक बनाया, वो मैंने बच्चों को दिया था बनाना का, और डेट्स मैंने उसके अंदर डाल के, हालांकि बच्चे खाते पीते नहीं हैं, बड़ा मुंह बनाते हैं, बट कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें उनको दूँ। फल वगैरह तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते। चाट भी बड़ी मुश्किल से उनको रमज़ान में मैं देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस ऐसे ही रूटीन चलती है। इस दफ़ा अंगूर बड़े अच्छे आए हुए हैं, यहाँ पर फ्रूट्स जो है ना यहाँ पर बस ऐसे से ही होते हैं, खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो उनका टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल इतना अच्छा नहीं होता। तो इस दफ़ा अंगूर जो आए हैं उनका टेस्ट भी अच्छा था। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने पकौड़े बनाए थे। पकौड़ों में ये होता है कि सबको थोड़ा सा मसला आता है। अच्छा, यहाँ पर ना अलमराई का जूस मिलता है, तो मैंने ये इसमें डाला है। वैसे तो मेरे पास ऑरेंज भी पड़ा हुआ था, अब आप कहेंगे गर्मियों में ऑरेंज, यहाँ पे सारा साल हर तरह का फ्रूट मिलता है, तो मैंने फिर इसमें ये जूस डाला। और ये तो खैर सबको ही बनानी आती है, इसलिए मैं इतना कोई इसके बारे में नहीं बता रही चाट के बारे में, क्योंकि ये तो हर कोई बना लेता है। और बाकी जो पकौड़े हैं वो भी हर घर में बनते हैं रमज़ान टाइम में। तो इसके अलावा समोसे, रोल, वो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, डिफरेंट शेप्स के समोसे मैंने बनाए थे, वो मैं एक दो रोज़ों में वो बनाती रही हूँ, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दी थी, इसलिए मैंने इस व्लॉग में नहीं डाली। और इसके अलावा जो मैंने समोसे बनाए थे पट्टियों वाले, उसकी वीडियो भी मैंने अलग से अपलोड कर दी थी। अच्छा, पकौड़े देखें, हमारा जो स्टाइल है ना वो हम ऐसे डालते हैं, वो जो इकट्ठे हुए होते हैं ना, बेसन ज़्यादा होता है, और वो वाले पकौड़े मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो इस तरह से लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट के, और इवन इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐसा कुछ नहीं है इनको क्रिस्पी या फ्लफ़ी करने के लिए, और इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी बनते हैं ये पकौड़े। जो दूसरे वाले आप देख ही सकते हैं ये इनकी कितनी डिफरेंट शेप आई है। ये वो वाले पकौड़े हैं जो शायद पाकिस्तान में ना बाहर रेड़ियों पे मिलते हैं, तो बड़े क्रिस्पी क्रंची से पकौड़े, बड़े मज़ेदार से। और बाज़ लोगों ने पूछा था कि इसका बैटर जो है 2 घंटे पहले बना के रख लें,
मीन्स पहले से बना के रख लें, पहले से बना के ना रखा करें, वो फिर चीज़ें बीच में पानी छोड़ देती हैं, फिर उससे जो है ना एक तो ये डार्क भी ज़्यादा होते हैं और दूसरा उनको ना क्रिस्पी नहीं बनते, बहुत सख्त भी हो जाते हैं और क्रिस्पी भी नहीं बनते, नरम नरम से रहते हैं और मज़ा भी नहीं आता खाने का। अच्छा, मैंने पकौड़ियाँ भी शुरू में भिगोई थी, सबसे पहले पकौड़ियाँ भिगो के मैंने रख दी थी और उसके बाद मैंने फिर ये आलू पकौड़ियाँ बनाने लगी हूँ। आलू तो मैंने नहीं डाले थे बीच में, जस्ट पकौड़ियाँ ही हैं। दही के अंदर सारा मैंने वो मसाले वगैरह डाल के, ग्रीन चटनी डाल के, तो प्याज पकौड़ियाँ और ग्रीन चिलीज हैं और ये खजूरों हैं। खजूरों के अंदर मुझे बड़ा मज़ा आता है मक्खन डालने का। लोग जो हैं वो क्रीम भी ऐड करते हैं बट मेरी अम्मी मक्खन डालती थी तो वहाँ से ही मुझे आदत है, तो मैं मक्खन डालती हूँ तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मक्खन डालने के बाद ना ऊपर फ्रीज़ कर दें इनको 2 घंटे के लिए, 3 घंटे, ज़्यादा नहीं कि वो पत्थर ही हो जाए, तो वो बहुत मज़े का लगता है। बाकी मैंने उस दिन फिर आलू गोश्त बनाया था, साथ ही मैंने फिर अफतारी के वक्त ही हंडिया ही मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि उसके बाद तो टाइम मिलता नहीं है अफतारी के बाद। वैसे भी अफतारी के बर्तन धोना, फिर घर के काम, सफाइयाँ वगैरह, फिर बेटी को भी पढ़ाना होता है, फिर कपड़े वगैरह इस्त्री करो, दूसरे काम, फिर रात की खाने की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर सहरी की तैयारी शुरू हो जाती है, तो इसी तरह से यहाँ पे दिन गुजर जाता है। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीडियो एक अपलोड करूँगी, उसके अंदर मैं रमज़ान के ऑफ़र्स जो यहाँ पे लगती हैं मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। तो आज का मेरा वीलॉग मुझे नहीं पता मैंने कैसा बनाया, बस बना दिया है। फर्स्ट ट्राई थी मेरी वीलॉग की, तो होप्स आपको पसंद आया होगा, पर मेरी ये पहली इफ्तारी थी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।